मैं अंदर काम कर रहा था, मेरी सर्विस गाड़ियाँ बाहर खड़ी थी, ये गाड़ी लेके आया बंदा, एकदम बैग लेके आ रहा था बिल्कुल स्पीड में, और फिर बिल्कुल किनोर पे व्हाइट पट्टी के अंदर गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको भी बचड़ा मार के एकदम घुमा के और भग के आ गया। कितनी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई? मेरी दो हुई है। और कितने लोगों? चार पांच गाड़ियाँ दूसरों की हुई है। एक बंदा गाड़ी पे बैठा था, उसके ऊपर वो तो कूद गया, नहीं तो उसके ऊपर चढ़ा देता ये। अब ये क्या कह रहे हैं आप लोग जब इनके पास आए, क्या कह रहे हैं? ये तो कुछ नहीं, ये तो कह रहे हैं हमारी गाड़ी का नुकसान करा, हम आपके ऊपर केस करेंगे। हम पुलिस में ऐसा राजस्थान स्पीड में हमारे मोहल्ले में से निकाल के लेके जा रहा था, तो हमने एक बार इनको रोकने की कोशिश की तो ये गाड़ी रुकी नहीं। सेकंड टाइम में 5 मिनट बाद में ये गाड़ी वापस रिटर्न हो गया हमारे पास, उसी मोहल्ले में से निकली। तो मैं था, इंद्रजीत था, किशोर जी थे, सभी ने कहा यार गाड़ी रोको। ये दो बच्चे थे पास पास में, उसको बिल्कुल टच करता हुआ ये निकला था गाड़ी, औरतें वगैरह सभी थी, हमने रोकने की कोशिश करी, रुका नहीं। तो उसी वजह से हमने इसको रोकने की कोशिश करी, कम इसको गाड़ी को 200 मीटर तक एक बैग में लेके गया था। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? ये गाड़ी सबसे पहले निकली तब 100 की स्पीड से भी करीब थी, दूसरी बार निकली तब ये जंपर की वजह से थोड़ी सी धीरी हुई थी, बाकी फिर भी गाड़ी की स्पीड 70-80 से कम नहीं थी इस गाड़ी की। कितनी गाड़ी को चपेट में लिया? इसने कम से कम 4 से 5 गाड़ी को चपेट में लिया है, और उस बंदे के हमारे भाई के लगी हुई है कि हम जब ने पीछा किया कि भाई गाड़ी रोको, कौन है ये आदमी, जैसे कोई तस्करी करता है ना आदमी, जैसे इस गाड़ी के पीछे इतनी तेज इस गाड़ी को भगाई थी। जब आप यहाँ आए मौके में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं साहब कि हमारी गाड़ी का नुकसान किसने किया, जबकि गाड़ी का नुकसान हमारे किसी बंदे ने नहीं किया था। गाड़ी का नुकसान ये जब ब्रेक में चला रहा था ना, तब इसके खुद गाड़ियों को अड़ के इस गाड़ी का नुकसान हुआ था। मामला आया कि इन्होंने पुलिस का रोप भी दिखाया? पुलिस का रोप दिखाया साहब, ये कह रहे हैं हम खुद पुलिस में, गाड़ी के ऊपर पुलिस का टैग लगा हुआ है, तो आगे पीछे दोनों तरफ था। हमने कहा था कौन सी पुलिस में होगा, हम तो खुद राजस्थान पुलिस में है साहब, हम तो खुद पुलिस वाले हैं, वो हमारे को क्या दादागिरी दिखा रहे हो। तब हमने कहा था पुलिस को क्यों बुला रहे हो, फिर आप पुलिस में तो आप रिपोर्ट कर दो यहीं पर, कई लोग मैं करता हूँ। इनके पापा जी आते ही पूरी दादागिरी से कर रहे हैं, वो लकड़ियाँ बाहर निकाल ली साहब। ठीक है, नवल अजमेरा।